आदरणीय देवियों एवं सज्जनों, शानासाथी कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 155वां एपिसोड सुनाने जा रहा हूँ। कहानी में जुनून विषय पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। गुरुपा की स्मृति में उक्त कहानी समर्पित है। आगे उड़ीसा में जगन्नाथपुरी से 14 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है रघुराजपुर, जिसकी आबादी लगभग 900 होगी। गांव में काफ़ी हरियाली है, आम के पेड़, आम के, पान की बेलें, कोकोनट के पेड़ बहुत आयात में लगे हुए हैं। वहाँ क्राफ्ट वर्क भी काफ़ी तादाद में व्यवसाय के रूप में होता है। उसी गांव में शुभांग नाम के व्यवहारिक बहस्यम व्यक्ति भी रहते थे। पत्नी के अलावा एक पुत्र शशांक सहित छोटा सा परिवार था। पुरी में पान की प्रसिद्ध दुकान चलाते थे। एक बार पुरी में एक घनी परिवार के यहाँ डाका पड़ गया। इसकी छानबीन करने पुलिस की जीप गांव रघुराजपुर भी पहुंची, जिसको देखकर सारे ग्रामवासी अपने अपने घरों में छुप गई। बालक शशांक इस घटना से इतना प्रभावित हुआ कि उसने मन में ठान लिया कि मुझे पुलिस विभाग में नौकरी करनी है एज ए ऑफिसर। गांव में 8वीं तक शिक्षा प्राप्त कर पुरी में दाखिला लिया व बीए कर पिता ने जोर देकर बीएड करवा दी। वहीं पर सहायक अध्यापक के पद पर जॉब भी दिलवा दिया। रोज़ प्रातः 8 बजे पिता के साथ टेम्पो द्वारा पुरी जाना तथा शाम को पिता के साथ ही दुकान होते हुए वापस टेम्पो से गांव आते थे। पुलिस विभाग में ज्वाइनिंग का जुनून दिमाग से निकलता नहीं था, अतः साथ में आईपीएस की तैयारी भी चल रही थी। एक बार जल्दी में घर से नाश्ता न करवाने से पुरी में स्कूल जाने से पहले हलवाई की दुकान पर रुककर लस्सी पीने का मन बना ऑर्डर दिया। वहीं बैठकर लस्सी पीने लगे कि एक कौवा दही के बर्तन में चोंच मार ही रहा था कि हलवाई ने 50 ग्राम का बाँट झटपट निशाना बनाकर कौवे पर ऐसा मारा कि एट द स्पॉट कौवा मर गया। शशांत बहुत भावुक स्वभाव का था। लस्सी पीने के बाद पास ही पानी की टंकी थी, वहाँ हाथ मुँह साफ करने के बाद कोयले से टंकी पर लिखा, काग दही पर जान गवायो, लिखकर अपने काम पर चला गया। थोड़ी देर बाद एक निलंबित लेखपाल वहाँ आया तो उसने उस लाइन को अपने दृष्टिकोण से यह पढ़ा, कागज ही पर जान गवायो। उसके बाद एक ठुकराए हुए निराश प्रेमी भी पधारे। अंत में उन्होंने उस बात को अपने दृष्टिकोण से यह पढ़ा, कागज ही पर जान गवायो, अर्थात जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। एक बार शशांक अध्यापक महोदय को 1000 रुपये की आवश्यकता आ जाने से वो ATM पर गया, लेकिन वहाँ किसी कारण से पैसे निकल नहीं रहे थे। अतः पास ही बैंक की शाखा में पर्ची भरकर 1000 रुपये निकालने का फॉर्म भर विंडो पर जमा किया तो बाबू ने बोला कि 1000 तक की रकम ATM से निकालने होंगे, यहाँ तो 4 लग जाएगा। शशांक ने तुरंत 6000 की रकम लिखकर दूसरा फॉर्म पेश किया, फलस्वरूप बाबू ने 6000 गिनकर सौंप दिए। उसमें से 1000 रुपये निकाल कर बाकी 5000 पुनः जमा हेतु फॉर्म सहित बाबू को वापस कर दिए, जिससे संबंधित बाबू गंभीर होकर शशांक को देखने लगा। प्रत्युत्तर में शशांक ने कहा कि जिस व्यक्ति ने ये कानून बनाया है उसको हमारे जैसे किसी गुरु ने ही पढ़ाया होगा। कहना आज गुरुजी आए थे,
कहकर अपने काम पर चला गया। शशांक लगातार लगभग 7 वर्ष से IPS की सतत तैयारी कर रहा था। अंत में लास्ट अटेम्प्ट में उसने IPS कंपटीशन में सफलता प्राप्त कर ही ली। पूरे गांव में वह पहला IPS अधिकारी के पद पर चयन कर पाया था। एक दिन रविवार का दिन था, वह घर बैठा सुबह सुबह अखबार पढ़ रहा था तो बेटा जो 8th क्लास में पढ़ता था को बोला कि अपना परिचय देते वक्त यह भी बोला करो कि मेरे पिताजी IPS हैं, ताकि उस अपरिचित पर तुम्हारा प्रभाव कुछ अलग ही रोकदार पड़ेगा, समझे ना। पास में बैठी लड़के की माँ ने बेटे को मना किया कि ऐसा कभी मत बोलना, ध्यान रहे, विनम्रता से ही तरक्की का मार्ग खुलते हैं। माँ की बात को बेटे ने सहर्ष मान लिया। एक बार पूरी में स्वर्णकार के शोरूम से कोई सज्जन गिफ्ट लेकर IPS कोठी पर पधारे। सिक्योरिटी गार्ड ने वॉकी टॉकी से कोठी के अंदर संपर्क किया उस आगंतुक को अंदर भेजने हेतु। शशांक बाथरूम में था, अतः फोन बेटे ने अटेंड किया और उस आगंतुक को ड्राइंग रूम में बुला लिया। आगंतुक ने बेटे का परिचय देकर पूछा कि क्या आप IPS साहब के पुत्र हैं क्या। प्रत्युत्तर में लड़के ने कहा कि पिताजी तो ऐसा ही कहते हैं पर माँ मना करती है। बच्चे का उत्तर सुन आगंतुक ने मन ही मन दोहरा मतलब महसूस कर बच्चे से कहा, तुम्हारी माँ ठीक कहती है, उनकी बात भी आपको अवश्य माननी चाहिए। तथा बच्चे की सरलता महसूस कर लाया गिफ्ट सौंप कर चला गया। जीवन में अक्सर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की घटनाएं घटती रहती हैं। जो मनुष्य एक अच्छी घटना से खुश होकर उछलता नहीं और नकारात्मक घटनाओं पर अनावश्यक दुख नहीं मनाता और हर दशा में अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखते हुए सच्ची लगन और ईमानदारी से कार्य करता रहता है, वही मनुष्य जीवन की स्थायी सफलता प्राप्त करता ही है। पुनः जुनून जीवन रखने के अलावा रोज सुबह शाम यूनिवर्स से प्रार्थना करें, मुझे सुख शांति धन समृद्धि सफलता और संपन्नता से भरपूर करने के लिए है ईश्वर, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, शुक्राना आपका। भाइयों, कार्य को करने का जुनून एवं धैर्य सफलता अवश्य भावी मिलती ही है। जैसे अंत में अथक परिश्रम व धैर्य द्वारा शशांक अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो ही गया। कृपया मेरी कहानी को फॉरवर्ड करें, अवश्य करें, सब्सक्राइब लाइक आपकी ऊपर, धन्यवाद।